No. तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काइन मास्टर के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा एक फ्रेंड सा जो कि कमेंट किया कि भाई वीडियो बहुत लंबी है, वीडियो को थोड़ा कट करना है और वीडियो को फास्ट और स्लो करना है, कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, वो मेरे फ्रेंड्स को समझ नहीं आ रहा था कि वीडियो को छोटा कैसे करे और वीडियो को फास्ट और स्लो, मतलब स्लो मिशन और फास्ट मिशन में कैसे वीडियो को करे। तो फ्रेंड्स उसने मेरे पास कमेंट किया, तो मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं तो बोला था कि उसके व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, लेकिन उसने बोला कि नहीं भाई, तुम यूट्यूब पर डाल दो, किसी और की भी ज़रूरत होगी तो ये वीडियो देखकर वो भी कुछ सीख जाएगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर जो आपको भी वीडियो छोटा करना है, वीडियो को फास्ट करना है, स्लो करना है, मतलब जो भी कुछ करना है, इसके माध्यम से आप सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें सिर्फ हम दो ही बात बताएंगे, इसके ऊपर ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर काइन मास्टर के ऊपर इतना बड़ा फ्यूचर है कि हम सारी स्टेप को बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो होगा। तो क्योंकि इस वीडियो में हम बस दो स्टेप बताएंगे, वीडियो को आप छोटा कैसे करना है और वीडियो को फास्ट कैसे करना है। तो बस वीडियो बस दो ही चीज़ हम इसमें बात करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके लाइक वीडियो नहीं है तो आप वीडियो को मत देखिए, कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड्स। तो लेकिन लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को जाना पड़ेगा मीडिया पर, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं मीडिया ऑप्शन दिया है। तो आपको मीडिया पर जाना होगा, वहाँ से आप एक वीडियो लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो एक लेते हैं मीडिया चल के। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जैसे आते हैं हमारे पास फाइल खुल जाती है, यहाँ से आप एक वीडियो को ढूंढ लीजिए आपको कौन सी वीडियो यहाँ पर चाहिए। तो फ्रेंड्स हम ढूंढ रहे हैं वीडियो हमारा कौन सा यहाँ से लेना है। देखिए फ्रेंड्स हमको हमने यहाँ से एक वीडियो ले लिया है, और लेने के बाद आप यहाँ से कोने से ओके कर दीजिए। ओके करने फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर आप आते हैं, तो वीडियो को पहले तो देखिए फ्रेंड्स हम बताएंगे कि आपको वीडियो छोट कैसे करना है। जैसे वीडियो बहुत बड़ा होता है तो वीडियो को आपको छोटा कैसे करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो लंबा है तो आपको कहाँ से काटना है वीडियो को। जैसे मान लीजिए आपको वीडियो को यहाँ से काटना है, जैसे वो बंदा आ रहा है तो आप चाहते हैं कि हम यहाँ से वीडियो को कट कर दें। तो कट करने के लिए फ्रेंड्स आपको नीचे जो रील दिख रहा है इस पर आप लोग को टच करना होगा। जैसे आप इस पर टच करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शन इस तरह आ जाते हैं। तो ऊपर आपको कैंची का ऑप्शन दिखता है, तो आपको सीधे कैंची के ऑप्शन पर चला जाना है। कैंची के ऑप्शन पर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको देखने को यहाँ पर मिलता है, देखिए ऊपर देता है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ। तो फ्रेंड्स आपको अगर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से जो वीडियो है, यहाँ से इधर का वीडियो आपको जो देख रहे हैं, इधर का वीडियो आपका कट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखता है ट्रिम टू राइट, यहाँ पर दिखता है फ्रेंड्स। तो अगर आप यहाँ से कट करते हैं तो आपका इधर का वीडियो पूरा, यहाँ का वीडियो ये पूरा वीडियो कट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मान लीजिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से बीच से अगर वीडियो काटना है, आपको बीच से सोचते हैं कि आपको यहाँ से वीडियो बीच से करना है, तो आप बीच से यहाँ से वीडियो को भी कर सकते हो। तो वो आपको ये ऑप्शन मिलता है, जो आपको फ्रेंड्स यहाँ से आप टच करेंगे तो यहाँ से बीच के ऑप्शन से आपका वीडियो दो पार्ट में हो जाएगा, जैसे यहाँ 20 से आपको कट जाएगा वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलिए वीडियो को काटते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर टच किया और यहाँ पर हमने टच किया, तो यहाँ से देखिए हमारा वीडियो इधर का जो सामने का वीडियो था वो कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसका फ्रेंड्स जैसे ही हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो यहाँ से कुछ कट करना है, पीछे से ख़राब है, तो आप पीछे चले जाइए। पीछे जाने के बाद फ्रेंड फिर यहाँ टच कीजिए, फिर यहाँ पर आइए, फिर यहाँ से ट्रिम टू राइट ऑफ देता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका इधर का वीडियो, पीछे का वीडियो कट जाएगा। जैसे फ्रेंड्स पीछे का वीडियो कट गया, तो मान लीजिए 2-4 सेकंड ने पीछे काट दिया और यहाँ सामने से काट दिया, तो हमारा वीडियो कुछ यहाँ से छोटा हो गया। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं वीडियो को स्पीड और स्लो कैसे करना है। तो फ्रेंड्स हम मानते हैं यहाँ जो बच्चा जो आ रहा है यहाँ से गुब्बारा लेकर, आप चाहते हैं कि हमारा यहाँ से वीडियो मतलब जैसे वो बच्चा आ रहा है, तो देखिए जैसे आ रहा है यहाँ से गुब्बारा बांधता है, देखिए जैसे यहाँ से गुब्बारा बांधता है मान लीजिए, तो आपको यहाँ से फास्ट करना है कि मतलब गुब्बारा जल्दी से बन जाए। आप मतलब कोई चीज़ में यूज कर सकते हैं, जो भी फास्ट करना है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पर टच करके जाना सीधे कैंची पे है। कैंची के ऑप्शन पर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पर बीच का जो दिख रहा है, जो हमने पहले बताया है कि आपको बीच से दो पार्ट करने का ऑप्शन बताया, तो आपको यहाँ से दो पार्ट कर देना है फ्रेंड्स। तो जैसे ही आप फ्रेंड्स यहाँ से दो पार्ट करते हैं, तो आपको देखिए हम आगे बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ से दो पार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से आपका वीडियो दो पार्ट में हो गया है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो आप चाहते हैं कि हम यहाँ तक ले, मतलब गुब्बारा बांध चुका है, आप सोने जा रहा है, जैसे यहाँ तक सोने जा रहा है, तो आप यहाँ से भी एक कट लगा दीजिए। जैसे यहाँ से आप एक कट दो पार्ट में कर देते वीडियो, तो आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ से दो पार्ट में वीडियो हो गया। होने के बाद आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको इस पार्ट को तेज करना है वीडियो को, तो आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिलता है, जैसे आप टच करेंगे तो आपको यहाँ पे स्पीड का, देखिए स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको स्पीड कंट्रोल ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देता है ऊपर नीचे करने के लिए, तो आपको देखिए फ्रेंड्स आप ऊपर करते हैं तो वीडियो शायद फास्ट होता है और नीचे करते हैं स्लो होता है। तो चलिए देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स आप नीचे करते हैं तो वीडियो स्लो होता है यहाँ से, और जैसे आप इसको ऊपर करते हैं तो आपका वीडियो छोटा होता है, और छोटा होने के कारण वीडियो बहुत फास्ट चलता है। तो देखिए आप, हमने हमको स्पीड करना है तो इसको हम बड़ा, जितना ऊपर करेंगे उतना ही वीडियो स्पीड होगा, और जितना हम इसको नीचे करेंगे वीडियो हमारा उतना ही स्लो मोशन में हो जाएगा। तो आपको स्पीड करना है तो आपको यहाँ ऊपर करना है, और स्लो करना है तो इसको नीचे, जितना ही नीचे करेंगे उतना ही वीडियो स्लो चलेगा। तो देखिए हमने फ्रेंड्स ऊपर कर दिया, ऊपर करने बाद आपको यहाँ को उन्हें क्लिक करना है, क्लिक करने बाद आप वीडियो को यहाँ से प्ले करके देख लीजिए फास्ट चल रहा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स वीडियो फास्ट चल रहा है, देखिए कितना तेज बांध रहा है रस्सी को, और देखिए हमको और फास्ट करना है तो हम और फास्ट को कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए हमको इस वीडियो में से कुछ पार्ट को हमको स्लो करना है, तो आपको यहीं से फिर जाना है, यहाँ से फिर दो पार्ट में कर देना है। दो पार्ट करने के बाद आपको इस ऑप्शन क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको फिर से क्लिक करने के बाद आपको स्पीड वाले ऑप्शन पर जाना है। स्पीड जाने के बाद यहाँ से आपको इसको खूब बड़ा कर देना है, जितना बड़ा करेंगे आपका उतना वीडियो स्लो हो जाएगा। देखिए हमने इतना बड़ा कर दिया, हमारा वीडियो स्लो चलेगा, देखिए यहाँ स्लो चलेगा। प्ले करके दिखाते हैं, देखिए फ्रेंड्स कितना आराम से देखिए बैठ रहा है, मतलब वीडियो बहुत स्लो चल रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने समझ गया होगा, हमें बस ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने सोचा कि बस दो ही बात समझाना था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई वीडियो को छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए आपने समझ गए हैं कि जहाँ से आपको छोटा करना है, मान लीजिए यहाँ का ख़राब है तो यहाँ से आपका यहाँ से इधर का काट दीजिएगा, और इधर से इधर का काट के छोटा कर सकते हैं आप आराम से छोटा करने। पहले हमने आपको बता दिया छोटा करने के लिए ऑप्शन, और आपको वीडियो फास्ट करना है तो बीच से कट करिएगा, और कहाँ तक फास्ट करना है वहाँ से बीच से दो पार्ट में कर दीजिएगा, और वहाँ दो पार्ट, और उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सीधे स्पीड पर आइएगा। स्पीड पर स्पीड कीजिएगा, स्लो कीजिए, स्लो करने के बाद यहाँ आपको कोने पर मिलता है ठीक है स्टिक लगाइएगा, और वीडियो आपको सेट हो जाता है। आज सेट हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपका वीडियो पूरा कन्फर्म हो गया। कन्फर्म होने के बाद आप यहाँ पर कोने शेयर पर जाइएगा, शेयर पर जाने के बाद आप यहाँ से वीडियो को आप HD में, फुल HD में यहाँ से घटा बढ़ा कर यहाँ से आप लगा सकते हैं 1080, 1440, 720, मतलब जितना क्वालिटी आपको चाहिए यहाँ से क्वालिटी पर सेट करके आपको यहाँ पर जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट दिया है, एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको पैनल चाहिए मतलब वीडियो को लंबा में, जैसे वीडियो को आपको लंबा में चलाना है इस तरह वीडियो को मतलब पूरा, तो आप 30 पर रखिएगा, और वीडियो को थोड़ा मतलब आपको इतना में चलाना है तो फुल स्क्रीन नहीं चलेगा, तो आप 25 पर रखिएगा तो फुल स्क्रीन नहीं दिखेगा, और 30 पर रखेंगे तो आपका वीडियो लंबा में चलेगा। तो आप यहाँ चॉइस कर लीजिएगा आपको कैसा चलाना है, कैसा देखना चाहिए, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। अगर जो कुछ काइंड मास्टर के बारे में नहीं आप लोग समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या नहीं समझ में आता है, हम काइंड मास्टर के बारे में आपको बताएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक्स यू, चलते हैं।